हमारे एक बड़े विद्वान महापुरुष थे, परम पूज्य श्री अभिराम दास जी महाराज, जूनागढ़ वाले महाराज जी। संभवतः अब उनका शरीर नहीं है, क्योंकि जब हमें मिले थे उस समय भी 90 से ऊपर की आयु के थे। उस जमाने में काशी से उन्होंने व्याकरणाचार्य किया था और अंग्रेजी से भी MA किया था। बहुत अच्छे विद्वान, बड़े अच्छे वक्ता थे, तो वो सुनाते थे। गधे का अभ्यास होता है दुलत्ती मारने का, इसके ऊपर एक कहानी सुनाते थे। सुना करके हम सबको हंसाते थे। बोले एक मास्टर जी पढ़ा रहे थे और बच्चे कुछ ना कुछ गलती करते ही हैं, पाठ याद नहीं करते हैं, तो पिटाई, अब तो पिटाई करना मना हो गया, उस समय पिटाई होती थी, तो पिटाई करके मास्टर कह रहा था कि देखो सबके कान खींच देंगे, हैं सबकी चमड़ी उधेर के भूस भर देंगे, और जाने क्या क्या कह रहा था, कह रहा था हड्डी पसली मार मार के एक कर देंगे, न जाने तुम्हारे जैसे कितने गधों को हमने आदमी बनाया है, कितने कलेक्टर मिनिस्टर बन गए हमारे, ते गधे होके आए थे यहाँ कलेक्टर मिनिस्टर हो गए। एक सीधा साधा धोबी वहां से निकल रहा था, उस पर काम कम था, गधे दो थे, वो एक गधे का काम था। उसने सोचा एक गधा हमारा आदमी बन जाए तो हमारे साथ कपड़े धुलवाएगा, काम देगा। उसने मास्टर जी को कहा, महाराज आप तो गधों को बनाने का, गधों को आदमी बनाने का ठेका आपने लिया है, वहाँ कृपा करके हमारे इस गधे को भी मनुष्य बना दीजिए, आदमी बना दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। वो मास्टर तो क्रोध में था, उसने कहा मूर्ख गधा लेके आया। बोले अभी तो आपने कहा था गधों को आदमी बनाते हैं, बांध के चला गया। वो मास्टर का गुस्सा ठंडा हुआ, तो उसने गधा तो बेच दिया, गधा तो बेच दिया। अब दूसरे दिन धोबी आया, बोला हमारा गधा आदमी बन गया। अरे वो एक दिन में आदमी बनता है, धीरे धीरे अभी बच्चा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा होगा, आदमी बनने में एक दिन में आदमी बनेगा। अब वो दो दिन चार दिन छः दिन में जब उधर से निकलता, बोले महाराज दिखा तो दो कैसे कितना बड़ा आदमी हुआ, कैसे बन रहा है। ऐसे नहीं, जब बन जाएगा तब बताएंगे। चार पाँच साल हो गए, अब धोबी के समझ में कुछ ना कुछ आया कि इसने गधा हमारा इधर उधर कर दिया, ये देगा नहीं। लठ लेके धोबी आया, बोले अब तो हमारा आदमी जो हमने गधा दिया था, हमारा गांठ का गधा और चला गया, वो आदमी भी नहीं बना, जल्दी लाओ नहीं तो समझ लेना मास्टर साहब लठ लेके आए तुम्हारी पूजा करने, बहुत बच्चों को पीटते हो तुम और तुमको पीटने आए हैं। मास्टर घबरा गया, उसने सोचा कैसे पिंड छुड़ाएं। बोले आदमी बन के यहां थोड़ी धरा है, वो मुजफ्फरपुर में कलेक्टर बन गया है। उसको बड़ा बड़ी प्रसन्नता हुई, महाराज कलेक्टर में, हाँ कलेक्टर बन गया मुजफ्फरपुर में। वो अब तो धोबी घर में आया, बोले कपड़ा पड़ा धोना बंद, अब हमारा गधा कलेक्टर बन गया मुजफ्फरपुर में, वो भी बिहार के तो हम यही हैं, चलो। वो गरीब आदमी था, पैदल पैदल मुजफ्फरपुर पहुंच गया। हो सकता हो इसी दरभंगा का ही हो, क्योंकि यहाँ शिक्षा का केंद्र विशेष है, यहाँ जो है गधों को आदमी बनाया जाता है, हो सकता है यहीं की घटना हो, कोई पक्का पता नहीं है, लेकिन मुजफ्फरपुर वाली बात तो पक्की है। अब बेचारा धोबी यहाँ से कितना दूर है मुजफ्फरपुर दरभंगा से, 100 किलोमीटर तो होगा, हैं 60 किलोमीटर, चलो यहाँ से पैदल चल के वहाँ गया और पहुँचा। अब कलेक्टर का जो बंगला था, निवास था, रविवार का दिन था, छुट्टी थी, तो जाना चला। अब ऐसे किसी अपरिचित व्यक्ति को बिना समय लिए कलेक्टर के निवास में थोड़ी प्रवेश करने दिया जाएगा। उसने बहुत कहा,
लेकिन उसको भीतर नहीं घुसने दिया। इसी बीच में कलेक्टर साहब बाहर बगीचे में आए, उनकी कुर्सी लग गई, बैठ गए। उनके इष्ट मित्र अधिकारी रैंक के जो थे वो सब वहाँ बैठे थे। अब कुछ चाय नाश्ता कुछ खाना पीना हो रहा था। अब इसने कहा कि वाह, आदमी बना तो हमारे किस काम में आया, गधे से आदमी बना और आदमी में भी कलेक्टर बना और हमसे सीधे बात नहीं करता है। तो द्वारपाल के मना करने पर भी वो धोबी घुसता हुआ वहाँ बगान में चला गया। तो उसको कलेक्टर को बड़ा सर, ये कैसे आ गया, कौन है? अरे वो तो पहचानता नहीं है, मैं वही तेरा मालिक धोबी हूँ और वही तू गधा है जिसके ऊपर पीठ पे कितना माल लाता था और फिर तू बैठ जाता था तो फिर डंडे से पिटाई करता था, कितने मेहनत से गधे से आदमी बनाया, अब सीधे मुंह बात नहीं करता। उसको लगा कि पागल कहां से भीतर घुस आया, कलेक्टर को गधा बता रहा। तो उसको गुस्सा आई तो उसने लात मारी। जैसे ही लात मारी तो उसने कहा अब हमें जरूरत नहीं है, अब पक्का पता चल गया कि तुम गधे ही हो। आदमी से गधे से आदमी और आदमी से कलेक्टर भले ही बन गए, लेकिन अभी दुलत्ती मारना भूले तो तुम्हारी दुलत्ती खाकर हमको पक्का विश्वास हो गया कि तुम गधे ही हो। ये बात हंसाने के लिए हमने नहीं कही है। किसी के भी ऊपर पैर का प्रहार करना ये मनुष्यता नहीं। इससे हमें शिक्षा ये लेनी है कि कैसा भी अपराध क्यों ना हो, किसी के भी प्रति पैर का प्रहार मत करो, क्योंकि सबके भीतर हमारे प्रभु विराजमान हैं। पैर से किसको छूना, पैर से किसको ठिकराना। हमारे यहां धर्मशास्त्र में आसन को, वस्त्र को पैर से पकड़कर खींचना वर्जित है। बहुत से लोगों का अभ्यास होता है, कंबल डाला, आसन डाला, पैर से खींच के उसको ले आए, तत्काल उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उसकी आयु नष्ट हो जाती है। प्रायः लोग स्नान करके अपने अधो वस्त्र को, कौपीन आदि को तो पैर से ही किनारे कर देते। नहीं, जिसने आपकी लज्जा का रक्षण किया उसमें भी परमात्मा है, आप पैर से उसे क्यों ठुकराते हो? किसी जड़ पदार्थ को भी पैर नहीं लगाना, क्योंकि जड़ चेतन ये हमारी दृष्टि है। वस्तुतः कपड़े में धागे के समान सारे ब्रह्मांड में भगवान व्याप्त हैं, इसलिए किसी को भी पैर से मत छुओ, किसी पर किसी को भी ठुकराओ मत। महाभारत में एक बात लिखी है बाबा, एक धर्म संसद है महाभारत का, 125 में 126 में अध्याय में अनुशासन पर्व के। तो महाराज जी वहाँ एक बड़ी विलक्षण बात है, वो पूरा का पूरा अध्याय, ये दोनों अध्याय प्रकाशित करने के योग्य हैं, छपाने योग्य अध्याय है महाराज। उसमें धर्म के संबंध में सबने अलग अलग विचार किए हैं। तो अग्नि से पूछा गया कि हे अग्निदेव, आप तो देवताओं के पुरोहित हो, अग्निमेडे पुरोहितम, आप बताओ धर्म का स्वरूप क्या है, आपके मत में धर्म की परिभाषा क्या है? तो अग्निदेव ने कहा है, मुझ जात वेदा अग्नि, गौ और ब्राह्मण, इन तीनों का पूजन करना, इनका सत्कार करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और गाय को, अग्नि को अथवा ब्राह्मण को पैर से छूना ये सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति अग्नि को पैर लगाता है, गाय का पैर से स्पर्श करता है अथवा ब्राह्मण का, साधु का पैर से स्पर्श करता है, कहते महाराज वह घोर नरक में जाता है। 14 इंद्रों की आयु तक उसे नरक में पड़े रहना पड़ता है। इसके बाद यमराज कहते हैं कि भाई इसका विचार करो, कितना कर्म शेष है, इसको नरक से छुट्टी दी जानी चाहिए कि नहीं। तो महाभारत में अग्नि कह रहे हैं
के अन्य अन्य पापियों के मुक्ति की संस्तुति यमलोक के ऋषि कर देते हैं, पर गाय को, अग्नि को और ब्राह्मण को जिसने पैर से ठुकराया है, तिरस्कार किया है, उनको नरक से बाहर निकलने का समर्थन कभी भी यमदूत नहीं करते हैं, यमलोक के ऋषि नहीं करते हैं। अब विचार कीजिए, जो गोवध जैसे भयंकर पाप में लगे हुए हैं, ब्राह्मण की हत्या, साधु की हत्या, गौ की हत्या, इस प्रकार से जो पाप कर्म कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? इसलिए इनका सत्कार करना, पैर से कभी इनको नहीं ठुकराना। है तो मेरे बचपन की एक घटना, लेकिन प्रेरणा लेने योग्य है, और इससे भारतवर्ष के गांव के भोले भाले लोगों में धर्म की निष्ठा कैसी थी, इसका परिचय प्राप्त होता है। हमारे शरीर की पितामही, पिताजी की, शरीर के पिताजी की माता, दादी, उनका ये कंधा उतर गया, यहां से अलग हो गया, कोई चोट लग गई होगी। डॉक्टर एक थे, उनको दिखाया, डॉक्टरों ने कहा कि हमारी अंग्रेजी डॉक्टरी के अनुसार तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और ऑपरेशन होगा, फिर इसको फिट किया जाएगा। अब वृद्ध शरीर, और वो जीवन में कभी हॉस्पिटल गई नहीं, वो तो कहें कि मैं मर भले जाऊं, मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना, बहुत डरती थी हॉस्पिटल के नाम से, दवाई के नाम पे कोई दवाई खाई नहीं उन्होंने, दवाई खाती नहीं थी, निरोग रहने वाला दवाई भला क्यों खाएगा। वृद्ध तो थी लेकिन शरीर में रोग नहीं था। तब किसी ने कहा कि अमुक गांव में एक गडरिया है, गडरिया जानते हैं ना, भेड़ बकरी पालने वाले, गडरिया है वो, बहुत ये विद्या जानता है, कैसा भी हाथ पैर उतर गया हो, हड्डी इधर उधर हो गई हो, वो दवाई बांध देगा और उसको चढ़ा देगा, एकदम ठीक कर देगा। तो उस व्यक्ति को, गडरिया को कहा गया, वो आया, आकर के उसने देखा तो रोने लग गया, मेरे बचपन की, मेरे आंखों के सामने की बात है, रोने लग गया। रो क्यों रहे हो, क्या ये ठीक नहीं होगी? बोले महाराज ठीक तो अब ही कर दूं, तुरंत ठीक कर दूं अभी, लेकिन मैं कैसे एक ब्राह्मणी वृद्धा, उसके मुझे पैर लगाना पड़ेगा कंधे में, तो मैं पैर कैसे लगाऊं, मुझे नरक में ठोर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं रो रहा हूं, इनका कष्ट भी नहीं देखा जा रहा है और मैं एक ब्राह्मणी में पैर कैसे लगाऊं। आज वो घटना मुझे याद आती है तो मन में सोचते हैं कैसा पवित्र भारतवर्ष, एक अक्षर पढ़ा लिखा नहीं था भेड़ बकरी चरने वाला आदमी, पर उसे इतना ज्ञान जरूर था कि मैं ब्राह्मण को पैर लगाऊंगा, ब्राह्मणी को पैर लगाऊंगा तो घोर नरक में भी मुझे ठौर नहीं मिलेगी। तब लोगों ने उसको समझाया कि तुम अपमान थोड़ी कर रहे हो। फिर किसी व्यक्ति ने कहा परिवार के, चलो तुम आओ, पाप हम अपने अपने ऊपर ले लेंगे, अब करो, तुम्हारा पाप हम ले लेते हैं, अब इसको ठीक करो। उसने अपने सिर की पगड़ी उतारी, यहां एक नया कपड़ा रखवाया, फिर अपने सिर की पगड़ी यहां रखी, फिर उस पगड़ी पर अपना पैर रखा और एक झटके में उसने चढ़ा दिया, और कुछ क्या क्या लेके आया था, कुछ जड़ी बूटी उसकी मलहम जैसी बनाकर बांध करके चढ़ा दिया, और हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, एकदम ठीक हो गई। तो ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी भावनाएं थी हमारे यहां लोगों में, एक और प्रेरणा ये है धर्म प्राण भारतवर्ष का स्वरूप। वे पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन आस्तिकता के, धार्मिकता के संस्कार अपने मातृकुल पितृकुल से उनको घर में ही मिल जाते थे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।